गुजरात बनासकांठा जिले में किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर क्या नेशनल न्यूज की खास रिपोर्ट। बनासकांठा जिले की केंद्र सरकार द्वारा एमकेसी कंपनी को पांथावाड़ा से थराद हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। तब गांव के किसानों ने अपने खेत पर पशुओं के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वहीं एमकेसी कंपनी द्वारा प्लांट रख कर रहीसों के इलाके में प्रदूषण फैला रहे हैं। वह प्रदूषण मानव जीवन पर बहुत नुकसानदायक होता है। पांथावाड़ा से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर वाशडाल गांव के पशुपालकों के खेत के पास रोड बनाने के लिए एक बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है। तब यह फैक्ट्री में हर रोज मशीनरी शुरू होती है, तब बहुत ही धूल और फैक्ट्री में चल रहे मशीनरी के धुएं से फैक्ट्री के आसपास के रहने वाले लोगों के शरीर पर नुकसान हो रहा है। एमकेसी कंपनी के प्लांट की कम दूरी पर एक गांव है, तब गांव के इलाकों के पास इस तरह की कंपनियों द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है। कई बार किसानों ने एमकेसी फैक्ट्री के अधिकारी से उनके खेत, पशुओं और उनके शरीर पर हो रही जानहानि को लेकर बात भी कर चुके हैं, बल्कि एमकेसी फैक्ट्री के अधिकारी उनका कोई जवाब नहीं देते हैं। तब सवाल ये हो रहे हैं कि क्या इस अहवाल के बाद बनासकांठा जिला विकास सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जब ग्याम नेशनल न्यूज की ओर से पशुपालकों से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि यह कंपनी की मशीन जब शुरू होती है तब पशुओं के घास में मिट्टी लग जाती है, तब वह पशु घास बिगाड़ते हैं। तब सरकार द्वारा किसानों की आवक दोगुना करने का प्रयास कर रहे, तब ऐसे रहीसों के घरों के पास फैक्ट्री लगाना कितना योग्य है। किसानों और पशुपालकों को हो रहे नुकसान को लेकर बनासकांठा जिला कलेक्टर द्वारा इस विषय पर जांच होनी चाहिए। बनासकांठा से संवाददाता पारस मोदी की रिपोर्ट।